नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए बी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं गोरखपुर की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने हवन किया। गोरखपुर के में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजा की। इस पूजा को करने के लिए सीएम योगी रविवार रात को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से महानिशा पूजा का पूजा की और लोक कल्याण की मंगला कामना की। बता दें कि सीएम योगी ने वेदी पर उगे जौ के पौधों को वैदिक मंत्रों के बीच काट हवन की। वेदी पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि देवता के आवाहन पर पूरे विधि विधान से पूजन किया। तो बुलेटिन में बात अब हरदोई की कर लेते हैं, जहां हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि हरदोई पुलिस ने के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला बीती 29 सितंबर पिहानी के बूढ़ा गांव का है, जहां पर मृतक रमेश प्रताप सिंह अपने साथी के साथ खेत पर जाते समय उनकी हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई थी, लेकिन दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आरोपियों के पास से दो तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आरोपियों में से एक का नाम अंकित और दूसरे का नाम अजीत सिंह है, तो जो कि बारमोला के हैं बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने खेतों की ओर जा रहा था। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा उसके गांव के पास की ग्राम बरमोला के दो व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर की गई थी। ये भोला सिंह और अजीत सिंह। भोला तो बुलेटिन में बात अब लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, जहां तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों की पहली बरसी पर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तिकुनिया हिंसा में मारे गए चार किसानों की पहली बरसी में शामिल होने के लिए लखीमपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि घटना के एक साल बाद भी आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसान, एक पत्रकार और तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। इस हिंसा में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र टेनी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। गौरतलब है कि घटना के एक साल पूरे होने के बाद भी किसानों ने कुड़ियाला घाट गुरुद्वारे पर मृतक चार किसानों की बरसी के लिए अखंड पाठ का प्रोग्राम रखा गया। इसमें शामिल होने के लिए आए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 अक्टूबर को जिस तरीके से फिल्मों में दिखाई जाने वाली घटना को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने रियल लाइफ में अंजाम दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। एक साल होने को आया है, अब तक पीड़ित परिजनों को न्याय नहीं मिला है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उसे बेईमान कहा। उन्होंने कहा कि शांति का सप्ताह चल रहा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई है, इनमें तो क्रांति होनी चाहिए, लेकिन सरकार देश के संविधान को नहीं मानती और सत्ता का दुरुपयोग करती है, किसानों के साथ अन्याय किया गया है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जनता क्या कर सकती है, जनता तो सिर्फ आवाज उठा सकती है। सर, पूरा सिस्टम दिल्ली से चल रहा है, जहां अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली के रास्ते लखनऊ होते हुए जो आदेश मिलता है सभी अधिकारी उसका पालन करते हैं। एक साल पहले जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद घटना थी। स्थिति को हो गया, उसमें 8 लोगों की हत्याएं के दोषी हैं। ये 8 लोगों की हत्याएं उसमें हुई, पूरा दोष वो मंत्री परिवार को जाता है। यहाँ पे उन परिवार से आप मिल रहे हैं, आज जो वकील है उनसे मिले, और हर साल ये प्रोग्राम होते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिला। क्या हम लोग उसको जारी रहेंगे? स्थिति को हो गया,
तो बुलेटिन में बात उस संत कबीर नगर की कर लेते हैं, जहां अज्ञात जानवर ने आतंक मचाया हुआ है। अज्ञात जानवर की वजह से कई एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि संत कबीर नगर में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात जानवर का आतंक देखने को मिला। जानवर ने करीब एक दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला कर उनके घायल कर दिया। सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है, जहां 8 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल अज्ञात जानवर की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है, लोग अपने घरों से निकलते में भी डर रहे हैं। तो बुलेटिन में बाद फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्जी इंस्पेक्टर का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की टूंडला पुलिस ने फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को अवैध वसूली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपी का वजन तकरीबन 180 किलो का है। इतनी कम उम्र में इंस्पेक्टर बनने और अनफिट शरीर से ही उसे संदेह में घेरे में ला दिया था, इसके चलते आरोपी पकड़ा गया। दरअसल फिरोजाबाद पुलिस को ये सूचना काफ़ी दिन से मिल रही थी कि ताज एक्सप्रेस वे पर उतरते ही फिरोजाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर वाहनों से अवैध वसूली करता है। इसको लेकर आगरा सीमा से लगे टूंडला थाना की पुलिस कई दिनों तक और रातों तक चेकिंग करती रही। इस बीच बीती रात नेशनल हाईवे पर नंबर 2 राजा के ताल चौकी इलाके में उसाइनी गांव के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान किया। इस दौरान एक वैगनार कार मिली। गाड़ी में पुलिस की वर्दी पर 3 स्टार लगाकर एक शख्स बैठा हुआ था। उधर पुलिस को पहले से ही सूचना थी कि पुलिस का रौब दिखाकर एक शख्स कई वाहनों से अवैध वसूली कर रहा है। जब टूंडला थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने कार में बैठे शख्स से पूछताछ की तो पहले उसका पोस्टिंग का स्थान पूछा गया, जिसका जवाब युवक ने नहीं दिया और पुलिस को गुमराह करने लगा। जिसके बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया तो उसे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। इसके बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और इस शख्स ने अपना पूरा वसूली का राज खोल दिया, जिसके बाद कोतवाली टूंडला पुलिस ने रविवार को एक फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, जिसका वजन 180 किलो का बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी पुलिस की वर्दी में वाहनों की चेकिंग और चालान कर लोगों से अवैध वसूली करता था। ये व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन के चेकिंग कर रहा है और आने जाने वाले वाहनों से पैसा की वसूली कर रहा है। इस सूचना पर टूंडला पुलिस ने घेराबंदी की और ये व्यक्ति को पकड़ा, जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था। उससे पूछताछ की, उसका नाम मुकेश कुमार साहिबाबाद गाजी। ब्रिटेन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां नदी के कटान से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में गुर्रा नदी पिडरा घाट से होकर गुजरती है, जिससे 52 गांव के ग्रामीण भयभीत हैं। नदी अपने रुद्रपुर पर है, जिससे कटान अभी भी जारी हैं। बचाव के लिए प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रही है, मगर प्रशासन के सारे प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है, तो वहीं DM के निर्देश के बाद रुद्रपुर उप जिलाधिकारी ने कटान स्थल का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 6 दिनों से लगातार कटान जारी है। इस कटान के कारण ग्रामीण दहशत में है। इस पिडरा घाट पर कटान से पिछले साल एक मकान नदी में विलीन हो गया था। लगातार हो रहे कटान को देखते हुए प्रशासन ने आने जाने पर भी वहां रोक लगा दी है। तरफ से बैरिकेटिंग करा दीजिए और उन्होंने बैरिकेटिंग नहीं करवाया, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। अगर बैरिकेटिंग हुआ होता तो जितनी मेहनत इस बंदे पे हमारे इलाके के लोगों ने मजबूती से काम किया रात दिन मिलके और इस विभाग ने, फिर भी ये मिट्टी धड़क गई। कल रात को सुना कि एकौना की पुलिस पैसे लेकर के ट्रक को क्रॉस कराई। देखिए पीड़ापुर जो है ये हमारे दौरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और ये रोड गोरखपुर को भी कनेक्ट करती है और ये सीधे हमारे जनपद को भी कनेक्ट करती है और ये हमारे दौबा वासियों के लिए और अन्य जनपद के लोगों के लिए भी ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको ये चीज़ देख करके ही पता लग रहा होगा कि उधर भी दिखा सकते हैं आप कैमरा घुमा करके कि कितनी भीड़ लगी हुई है, उधर भी भीड़ लगी हुई है। तो ब्रिटेन में बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां फिल्म थैंक गॉड को लेकर अखिल भारतीय चित्र ग्रुप महासभा के लोगों ने इसका विरोध किया है। बता दें कि
मथुरा में अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड में चित्रगुप्त समाज का मजाक बनाए जाने को लेकर अखिल भारतीय चित्रगुप्त महासभा के बैनर तले लामबंद हुए लोगों ने अजय देवगन का पुतला फूका। लामबंद हुए चित्रगुप्त समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की अपमान किए जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि थैंक गॉड फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले सीन हटाया जाए। तो वहीं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने चेतावनी देते कहा कि अगर फिल्म से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाला सीन नहीं काटा गया तो चित्रगुप्त महासभा के बैनर तले देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साजिश है, जहां हिंदुत्व की बात पूरे देश में चल रही है और जहां मोदी और योगी की सरकारें हैं वहां इस तरह का मजाक होना भी एक मजाक है और इसका मतलब एक ये छद्म हिंदूवाद की बात हो रही है। एक तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। तो क्या बात सही है ये बताएं आदरणीय मोदी जी और सम्मानित योगी जी। तो ब्रिटेन में बात अब कासगंज की कर लेते हैं, जहां A&M की छात्रा को 3 दिन तक बंदी बनाकर दुष्कर्म किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक हैरान कर देने वाला मामला का सामने आया, जहां कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही A&M की छात्रा को बंधक बनाकर 3 दिन तक आवास का शिकार बनाया गया। हैरानी करने वाली बात यह है कि दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट का कैशियर बाबू बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने SP के आदेश पर आरोपी दुष्कर्मी के पीड़िता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि एटा जिले के मरहरा थाना क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली पीड़ित छात्रा शहर के क्रिश्चियन मिशन अस्पताल में A&M की पढ़ाई कर रही है। उसकी कुछ दिनों पहले तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पीड़िता दवाई लेने OPD में गई। पीड़िता के मुताबिक OPD में उसे अस्पताल में ही कैशियर का काम करने वाले अनुपम दीप दास मिला, जहां आरोप है कि अनुपम ने पीड़िता को मेडिकल स्टोर में पिछले दरवाजे से अंदर बुलाया और उसे एक पाउडर पीने को दिया, जिसके बाद उसे बुखार उतर जाएगा ऐसा पाउडर पीने के बाद कहा गया, जहां पाउडर पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी। पीड़िता के आरोप है कि आरोपी अनुपम ने पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसे आगरा के वाटर बॉक्स इलाके में एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा, जहां 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तीन दिन बाद होश में आने के बाद पीड़िता ने जैसे तैसे उसके चुंगल से भाग निकली और बाहर आकर किसी राहगीर से फोन के मामले से इस पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी के बाद परिजन आगरा पहुंचे और पीड़िता को लेकर कासगंज सदर कोतवाली आए, जहां आरोपी के खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है। देखिए, इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कल शाम को वादी जो है वो हमारे कासगंज थाने पर अपनी तहरीर लेके आई थी। तहरीर के आधार पर हमने तुरंत मुकदमा लिखवाया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के संबंधित हर एक गंभीर पहलू का विवेचना की जा रही है और विवेचना प्रचलित है। तो ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 300 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आबकारी विभाग और मार्ट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों के पास से भारी मात्रा में कार के अंदर से शराब पकड़ी है। दरअसल मार्ट थाना क्षेत्र में आबकारी इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा और मुखबिर की सूचना मिली कि होंडा सिटी कार में भारी मात्रा में अंग्रेजी हरियाणा मारक शराब ले जा रही है। इसे लेकर आबकारी इंस्पेक्टर मार्ट थाना पुलिस के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे टोल पर गाड़ी का इंतजार में लग गए। जैसे ही गाड़ी टोल पर आई तो उसको रुकवा कर तलाशी ली गई, तो गाड़ी के अंदर से अंग्रेजी की विभिन्न ब्रांड की 300 बोतलें पाई गई। वहीं दोनों तस्करों को हिरासत में ले लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम विक्की और बिरजू बताया। पुलिस की तरफ से विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात संत कबीर नगर की कर लेते हैं, जहां बेकाबू होकर एक कार नदी में जा गिरी। बता दें कि यूपी में हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां संत कबीर नगर में अनियंत्रित कार
जुड़िया पुल से गिरकर पानी में डूब गई। इस दौरान हादसे में एक दंपति समेत बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र के तेलोरा गांव के निवासी थे, जो ननिहाल बड़गो से अपने घर वापस जा रहे थे। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।